पहले तो सबको नमस्कार। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस उड़ीसा में भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश का अधिवेशन है। इसके लिए मैं दिल्ली से आना हुआ, इसीलिए आप सभी उड़ीसा वासियों को मेरी तरफ से शुभकामना है। और साथ में अभी जो बात अपना चल रहा है कि कोरोना वायरस पिछले वर्ष था, अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, तो दो बिंदु है उसमें जो प्रभावित हुआ है, वो सबसे बड़ा मजदूर वर्ग प्रभावित हुआ है। बाकी लोग प्रभावित हुए हैं लेकिन मजदूर वर्ग सर्व प्रभावित हुए हैं। और इन मजदूरों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उड़ीसा हो या अन्य प्रांत, जिस तरह से मदद हो सके उतनी मदद की। सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ मददें की है, कई उद्योगकार ने भी अपनी तरफ से मदद की है, राशन किट बांटना, उनका वेतन देना, इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने भी अपने तन मन धन से बहुत किया है। तो इसकी नामना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ILO पर भी भारतीय मजदूर संघ ने ऐसा काम किया है, श्रमिक संगठन आते इसकी सराहना भी हुई है, इसलिए हमें वो गौरव प्राप्त है, एक बात ये। लेकिन साथ साथ इतने से काम नहीं बन पाया, अभी भी तकलीफें हैं, चुनौतियां हैं, अभी भी और आने वाले दिनों में हमारे मजदूर वर्ग के लिए चुनौतियां हैं। तो इसके लिए हम लगातार उसमें जागृत है और अभी भी सरकार के साथ बातचीत करके आए हैं, भारत सरकार के साथ, कि आने वाले दिनों में इन मजदूरों को किस प्रकार से कुछ रियायत मिल सके, कुछ और अधिक मात्रा में उनके वेतन में कुछ इस प्रकार से सलाह मिले। तो जैसे एक PF के लिए कुछ उनको लोन चाहिए एडवांस, तो वो मिल सकता है, ऐसा एक प्रावधान बनाया है। उसके लिए कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, जो उसके रूल्स हैं उसमें थोड़ा बदल किया है। ESI जो है उसके बारे में थोड़ी अधिक मात्रा बढ़ा दिया है। फिर एक बात आती है EDLI, तो उसके अंदर भी इन लोगों ने अभी 7 लाख की सीमा कर दी, मतलब असंगठित मजदूर के लिए वो थोड़ा अच्छा रकम है, लेकिन संगठित के लिए उतना बहुत रकम नहीं, लेकिन फिर भी एक तरफ से उनके अवसर। उसके बाद भी कुछ कानून के जरिए भी ये नए कानून आ रहे हैं, तो उसमें भी प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि 4 कानून में जो 2 कानून अच्छे हैं उसके लिए भारतीय मजदूर संघ स्वागत करता है, लेकिन जो 2 कानून में थोड़ी त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए बिल्कुल हमारी एक 70 लोगों की टीम लगी है, जिसके ऊपर पूरा स्टडी कर रही है, और स्टडी करने के बाद कुछ कॉमेंट्स बनाई है कि सुधार भी क्या हो सकता है। ऐसे सुधार के लिए सरकार के सामने रखना, उद्योगकार से भी मुलाकात करना, और बड़े अधिवक्ता यानी लॉयर्स लोग हैं उनके सामने भी बात रखी है, ताकि वो भी हम सबकी सहाय करें और क्या सबसे अच्छा हो सके, ऐसी योजना अभी बनाएं, और इस अधिवेशन में भी इस प्रकार से सारी कार्य बनेगी।